हाय गाइस, मेरा नाम कुशल है और इस वीडियो में मैं आपको सी प्रोग्राम के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसे फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने शुरुआत में कुछ इंटीजर्स डिफाइन किए हैं आई एक्स वाई जेड और उनको इनिशिएट किया है एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 2 और हम यहाँ पे कंप्यूट करना चाहते हैं z इक्वल टू x टू द पावर y और फिर z की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि y इक्वल टू 2 है तो मतलब हम z इक्वल टू x स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसे कंप्यूट करना तो बहुत आसान है। हम सिर्फ लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x इंटू x और ये कंप्यूट कर लेगा हमारा x स्क्वायर। तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसे कंपाइल करने के लिए हम देंगे gcc function dot c जो कि उसका फाइल नेम है और फिर /a.out। तो हमारा देखिए आउटपुट आ गया 25। अब यहाँ पे सपोज हम z इक्वल टू x इंटू x लिखने के बजाय सपोज हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जो कि ये सेम काम करे। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है जो कि कोई एक इनपुट लेता है या कोई आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लेता है और एक आउटपुट देता है। तो यानी कि हम अगर इस तरह का कोई फंक्शन अगर डिफाइन करें z इज इक्वल टू स्क्वायर फिर ब्रैकेट के अंदर में x, तो ये जो स्क्वायर फंक्शन है ये x की वैल्यू लेगा एज इनपुट और उसका जो आउटपुट होगा वो होगा z के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है ये सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लाइंस ऑफ कोड जो होते हैं वो आपको प्रोग्राम में कई बार यूज़ करने होते हैं बार बार, और वो कई बार वो जो लाइंस ऑफ कोड है वो थोड़े लंबे भी हो सकते हैं। तो उनको बार बार हर जगह लिखने की जगह आप अगर एक फंक्शन डिफाइन कर दें मेन प्रोग्राम के बाहर में तो उनको उसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो के एंड में होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जैसा कि हमने बताया कि हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं स्क्वायर जो कि एक इंटीजर इनपुट लेगा और उसका स्क्वायर करके एक दूसरा इंटीजर आउटपुट देगा। तो देखिए ये इस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो पहली बात तो ये है कि बेहतर ये है कि आप जो फंक्शन डिफाइन करें वो मेन फंक्शन के पहले करें, ताकि फिर मेन फंक्शन के अंदर में जब आप उस फंक्शन को कॉल करें तो उस प्रोग्राम को ऑलरेडी पता हो कि उस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, वरना एरर मैसेज आ सकता है। तो क्योंकि हमारा ये जो स्क्वायर फंक्शन है ये एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है, तो सबसे पहले तो हम उसे यहाँ पे इनिशिएट करेंगे इंट स्क्वायर फिर ब्रैकेट के अंदर में इंट फिर सम नेम ए। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ये है उसका इनपुट और ये स्क्वायर जो फंक्शन का नाम है उसके पहले में जो वेरिएबल टाइप है वो है आउटपुट। तो यानी कि ये जो स्क्वायर फंक्शन है ये एक इनपुट इंटीजर लेगा और एक आउटपुट इंटीजर ही देगा। तो अब इस फंक्शन को हम उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो a है वो हमारा इनपुट है और हमें उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके भी जो आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर होगा, तो हम अंदर में एक और इंटीजर डिफाइन कर देते हैं इंट b, फिर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू a इंटू a उसका स्क्वायर कंप्यूट करने के लिए, और फाइनली हमें ये जो b की वैल्यू है उसे रिटर्न करना है ओरिजिनल प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर से हम ये स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इस स्क्वायर फंक्शन के अंदर में जब हमने वो कंप्यूटेशन कर लिया है तो हमें फाइनल वैल्यू रिटर्न करनी होगी ओरिजिनल प्रोग्राम में। तो उसका सिंटैक्स सिंपल है, जस्ट रिटर्न स्पेस बी। तो अब ये प्रोग्राम जो है ये हमारा रेडी हो गया है। ये अब क्या करेगा कि इस लाइन में जहां पे z इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x लिखा हुआ, यहां पे x की वैल्यू इनपुट लेगा, उसे वो इस ऊपर जो स्क्वायर फंक्शन को डिफाइन किया उसमें उसे फीड करेगा, यानी कि a की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। फिर जब हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो एक और इंटीजर है हमारा b, b इज इक्वल टू a इंटू a यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो b की वैल्यू है वो वापस से इस प्रोग्राम में रिटर्न हो जाएगी
और वो z की वैल्यू में सेव कर दी जाएगी। और फाइनली फिर हम जब प्रिंट एफ करेंगे यहाँ पे z, तो यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो आउटपुट हो जाएगा। अब इसे हम चला के देखते हैं, हमने कंपाइल किया, सही तरीके से कंपाइल हो गया और हमने आउटपुट किया तो वापस से वही 25 आ गए। तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, सपोज y इज इक्वल टू 11 अगर हम करते हैं तो देखते हैं सही चलता है कि नहीं। कंपाइल किया हमने, फिर रन किया, 121, ग्रेट, सही है। अब सपोज हमें इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है कि सिंपल स्क्वायर कैलकुलेट करने के बजाय हमें z इज इक्वल टू x पावर y कैलकुलेट करना है, यानी कि x को हम x के साथ में ही y टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि हमें एक ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जो z इज इक्वल टू पावर x कॉमा y कैलकुलेट करे, यानी कि वो x और y दोनों को इनपुट ले, फिर x पावर y कैलकुलेट करे और उसका आउटपुट जो है वो z में सेव कर दे। तो अब देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को या इस फंक्शन को किस तरीके से लिखेंगे। स्क्वायर फंक्शन को हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं, उसके नीचे हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं जो कि पावर कैलकुलेट करेगा। तो वैसे ही क्योंकि हमारा जो आउटपुट है इस नए फंक्शन पावर का वो भी इंटीजर है, तो इस फंक्शन का टाइप इंटीजर होगा, तो इंटीजर पावर, फिर क्योंकि हमारे दो इनपुट्स हैं तो इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। अब हम दो इंटीजर्स ए और बी को इनपुट ले रहे हैं इस फंक्शन के अंदर में। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि एक फंक्शन के अंदर हम जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो दूसरे वेरिएबल्स में पास ऑन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस स्क्वायर फंक्शन में हमने जो ए और बी डिफाइन किया है उसका इस पावर फंक्शन के ए और बी से कोई नाता नहीं है। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं और ये एक दूसरे से आपस में कोई बात नहीं करते हैं। तो अब हम इस पावर फंक्शन के अंदर में जो आउटपुट है वो है सपोज हमारा सी। तो अब ये फंक्शन ए और बी इनपुट लेगा, ए पावर बी कैलकुलेट करेगा, यानी कि ए रेस टू बी, यानी कि ए को ए से ही बी टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका जो आउटपुट है वो सी में स्टोर हो जाएगा और उसे वो फाइनली रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को। तो क्योंकि ये हमें a पावर b कैलकुलेट करना है, यानी कि a को a के साथ में b टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें a की कॉम्प्यूटेशन बार बार करना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल i डिफाइन कर देते हैं और फिर हम अपना फॉर लूप लिखते हैं। फॉर में i इज इक्वल टू 0 या फिर हम i इक्वल टू 1 से भी शुरू कर सकते हैं, i लेस देन इक्वल टू b एंड i प्लस प्लस। तो अब ये जो i है वो 1 से शुरू होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा और b तक जाएगा। और अभी हम यहां पे करेंगे c इज इक्वल टू c इंटू a, यानी कि जो c में c की जो वैल्यू है उसे हम a से बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ये शुरुआत करने के लिए हमें C को इनिशिएट भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे C की जो इनिशियल वैल्यू है उसको हमने 1 असाइन कर दी है। तो अभी इस फॉर लूप के अंदर में जो कि 1 से लेके B तक जा रहा है, C को A के साथ में हर स्टेप में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि पहले स्टेप में C इज इक्वल टू 1 इंटू A होगा, फिर वो वैल्यू C में स्टोर हो जाएगी, फिर सेकेंड स्टेप में क्योंकि C ऑलरेडी A बन गया है फिर c इक्वल टू a c इंटू ए हो जाएगा, यानी कि a इंटू ए, तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से b स्टेप्स के बाद में हमारे c के अंदर में a पावर b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फाइनली हम c की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो अब देखते हैं कि ये कोड चलता है कि नहीं। हमने इसे कंपाइल किया और चलाया तो हमारा 121 आउटपुट आ गया। अभी इसमें हम कुछ दूसरी वैल्यूज लेके देखते हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए 16। अब देखते हैं, हमने कंपाइल किया और हमने रन किया तो हमारा आउटपुट आ गया 16। तो ये एक बहुत सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है C प्रोग्राम के अंदर में फंक्शंस को लिखने के तरीके को,
ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, इससे आप कई सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, ताकि आपके आपका अगर कोई पीस ऑफ कोड है जो कि आपके प्रोग्राम में बार बार यूज हो रहा है, तो उसे आप मेन फंक्शन से निकाल के अलग से अगर एक फंक्शन बना देंगे तो आपका जो मेन फंक्शन है वो बहुत ही नाइस एंड क्लीन दिखेगा, जिससे आपको डीबगिंग में या फिर एरर्स को हटाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू।